अस्सलाम वालेकुम शैतान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुहम्मद सल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्पेसशिप वन, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एक्ट ड्रामा दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक टू, एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी, बट इट्स नॉट ईजी टू एंजॉय दिस स्टोरी अनलेस यू हैव द कम्प्लीट नो हाउ और द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द समरी ऑफ दिस स्टोरी। सो दैट इज वाई आई हैव try to make a very quick explanation of the summary of this story, and certainly after knowing this summary, when you will approach the play, in fact the final part of this play is very powerful to read, and it exerts very deep impact upon the emotions of a person. Okay, let's begin it. Spaceship One is a beautifully fabricated fantasy by John Hampden. This brief one act play is remarkable for the treatment of human emotions and feelings that make it wonderfully credible. Number one, you know, here the word fantasy is used. Fantasy का मतलब होता है कोई ऐसी कहानी जो कि purely imagination के ऊपर मबनी हो और जिसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक ना हो। तो अगरचे ये कहानी जो है 1946 के अंदर लिखी गई, लेकिन राइटर जो है एक ऐसी दुनिया के बारे में इमेजिन कर रहा है यहाँ पर, जहाँ पर हर तरफ मशीनें ही मशीनें आ गई हैं और साइंस ने जो है इंसानों के कल्चर को, सिविलाइजेशन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ वो लिखता है कि दिस ब्रीफ वन एक्ट प्ले इज रिमार्केबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स दैट मेक इट वंडरफुली क्रेडिबल, कि अगरचे ये एक फैंटेसी है लेकिन जिस तरीके से इंसानों इंसानी इमोशंस और फीलिंग्स यानी कि जज्बात और एहसासात को जो है इसके अंदर पेश किया गया है, उसको ट्रीट किया गया है, उससे इस कहानी के अंदर सच्चाई का एलिमेंट आ जाता है। क्रेडिबल का मतलब होता है किसी चीज का सच लगना या काबिल यकीन होना। दो द प्ले वॉज रिटन इन 1946, बट द टाइम सेटिंग ऑफ द प्ले इज फार अहेड देन 1946, सो फार अहेड दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मैकेनाइज्ड एंड साइंस हैज इफेस्ड ऑल द कल्चरल ट्रेडिशंस एंड राइट्स दैट beautify human societies. So, play is written in 1946, लेकिन क्या है कि उसकी जो सेटिंग है वो दिखाएगी कि अब इंसान इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हर जिंदगी का पहलू जो है वो मैकेनाइज्ड हो चुका है, यानी कि वो मशीनी बन गया है और उसने जो है इफेस कर दिया। इफेस का मतलब होता है सफाई हस्ती से मिटा देना, बिल्कुल ही खत्म कर देना, जितना भी कल्चर ट्रेडिशंस और जो है राइट्स हैं यानी कि इंसानों के जो रस्म और रिवाज होते हैं जो कि उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, तो जो कि ब्यूटीफाई करते हैं इंसानों की सोसाइटीज को, उसने उनको जो है इफेस कर दिया है साइंस ने। व्हेन द प्ले बिगिंस वी फाइंड द थ्री एस्ट्रोनॉमर्स विलियम, हैरी एंड प्रोफेसर विटनी आर अबाउट टू लैंड ऑन द मून। एज द स्पेसशिप इज अबाउट टू लैंड ऑन द मून, सो इट इज ट्रेवलिंग एट 70 miles an hour। स्पेसशिप जो है वो 70 मील की रफ्तार पर जो है अब ट्रेवल कर रहा है क्योंकि वो चांद के ऊपर उतरने वाला है। हैरी इज द would be son in law of professor Whitney. अच्छा देखिए, would be का मतलब होता है होने वाला, तो हैरी जो है वो एक होने वाला son in law है यानी कि उसका दामाद है professor Whitney का। He is in love with professor Whitney's daughter Catherine and is soon to marry her. It was Catherine's love that made him to be the part of this project. Otherwise he didn't have any interest in it. तो कैथरीन की मोहब्बत जो कि प्रोफेसर विटनी की बेटी है उसकी वजह से वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना है, अदरवाइज उसको कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर। प्रोफेसर विटनी हैज बीन वर्किंग फॉर 20 इयर्स फॉर दिस मूवमेंट बट स्टिल टुडे ही इज नॉट हैप्पी। आज बहुत बड़ा दिन है प्रोफेसर विटनी का, बट ही इज नॉट हैप्पी टुडे। 20 साल से उसने इस मूवमेंट के लिए काम किया था कि वो चांद के ऊपर उतरेगा। ही इज वरिड दैट हिज डॉटर कैथरीन हैज नॉट कॉल्ड हिम फ्रॉम अर्थ, एंड previous night he had had a dream in which he found Catherine and her mother in distressful condition. तो कल रात उसने एक ख्वाब देखा था जिसमें उसने देखा कि उसकी बेटी और उसकी बीवी जो हैं वो बहुत ही बुरी हालत में हैं, तो इस वजह से वो आज चाहता है कि अपनी बेटी से बात कर सके। When professor goes to his room to make call to earth, we come to know from Harry and William that professor Whitney is an extraordinary genius. Afternoon, he wants to explore many other planets for which he has built yet another even more prodigious spaceship. Prodigious means शानदार या जबरदस्त एक और उसने spaceship तैयार किया हुआ है जो कि जमीन पर है, with greater capacity and speed that he has named Noah's Ark. और उस spaceship की जो speed है वो इस spaceship से भी ज्यादा है और उसका नाम उसने रखा है Noah's Ark. Noah's Ark means हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती।
ठीक है। तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स के जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो है इंसानों के बुरे अमाल की वजह से जमीन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और सैलाब आया था, तो जो नेक लोग थे उनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठने का मौका मिल गया और इस तरीके से इंसानियत बच गई थी। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो है आदम सानी भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा आदम अलैहिस्सलाम। जैसे आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की औलाद चली थी तो वो भी इंसानों को, इंसानियत को बचाने का सबब बने थे। इट्स सिंबॉलिकली हिंट्स, लिहाजा ये जो नाम उन्होंने रखा था अपनी अपने स्पेसशिप का नूहज आर्क, इट्स सिंबॉलिकली हिंट्स एट प्रोफेसर विटनीज एम्बिशन दैट द वे नूहज Noah, the prophet God's ark, saved humanity from complete extinction during the great deluge. His spaceship will also save humanity from complete extermination by taking humans to another planet when another world war will break out that may lead to the complete destruction of Earth. So symbolically, जो है ये hint करता है ये नाम प्रोफेसर विटनी की इस ख्वाहिश पर कि जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने इंसानों को बचाया था मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाने से। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किसी चीज का मुकम्मल तौर पर जो है सफाई हस्ती से मिट जाना, लेकिन क्या है कि वो उस कश्ती की वजह से इंसान बच गए। तो ड्यूरिंग द ग्रेट डिल्यूज, वो जो बहुत बड़ा सैलाब दुनिया में आया था हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, तो उसी तरीके से वो समझता था कि उसका स्पेसशिप भी जो है वो ह्यूमैनिटी को बचाएगा मुकम्मल तौर पर एक्सटर्मिनेट होने से, तबाह बर्बाद हो जाने से, बाय टेकिंग ह्यूमंस टू अनदर प्लैनेट व्हेन अनदर वर्ल्ड वॉर विल ब्रेक आउट, जब दूसरी जंग शुरू हो जाएगी, दैट मे लीड टू द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, जो कि सबब बन सकती है। लीड टू का मतलब होता है सबब बनना। आफ्टर अ वाइल विटनी अगेन कम्स एंड आस्क्स देम टू ट्राई वंस अगेन टू मेक कॉल टू अर्थ। हियर हैरी ट्राइज टू डाइवर्ट हिज अटेंशन बाय टॉकिंग अबाउट सम अदर टॉपिक्स। जब हैरी देखता है कि प्रोफेसर विटनी बहुत ही ज्यादा परेशान है तो वो उसके अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कि वो किसी और चीज के बारे में भी सोचे ताकि उसकी परेशानी थोड़ी कम हो। एज इट वॉज द फर्स्ट ऑफ मे सो प्रोफेसर विटनी टेल्स हिम दैट इन पास्ट दे यूज्ड टू सेलिब्रेट दिस डेट विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड इट वॉज ऑन दिस डेट दैट ही फेल इन लव विद जूडिथ द मदर ऑफ कैथी। यानी कि पहली मई का जिक्र आता है और प्रोफेसर विटनी जो है वो बताता है कि ये डेट जो थी वो कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी, लंदन के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता था और एक नए मौसम की शुरुआत के तौर पर इस डेट को लिया जाता था और लोग जो थे इसको बहुत इंजॉय करते थे, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स हुआ करते थे और इसी तारीख को वो मिला था जूडिथ से जो कि कैथरीन की मदर थी और वो उनमें मोहब्बत हुई और बाद में उन्होंने शादी की। When they used to study in Oxford College, जब वो Oxford College में दोनों पढ़ा करते थे, Professor Whitney regrets, regret का मतलब अफसोस करना, Professor Whitney regrets that now such beautiful traditional festivals are not celebrated, कि यही जो रस्म और रिवाज होते हैं और यही कल्चर की जो बातें होती हैं, यही तो इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, और अब जो है वो इंसान जो है इनको नहीं मनाते हैं साइंस के असर के तहत। Harry opines that in such highly scientific era, there is no need of such useless festivals. Harry कहता है कि अपने ख्यालात का इजहार करता है। Opine का मतलब ख्याल का इजहार करना कि आजकल के साइंसी दौर में इस किस्म के useless festivals की जरूरत नहीं है। He talks about many scientific inventions that have revolutionized life and shows him a gun that he brought to encounter some danger on moon. That it also is a blessing of science. तो यहाँ पर हैरी जो है वो साइंस के कमालात के बारे में बताता है कि कैसे उसने दुनिया को तब्दील कर दिया और उसे वो गन दिखाता है कि मैं ये अपने साथ लेकर आया हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चांद पर उतरे तो हमें कोई एलियंस या कोई ऐसी खूंखार मखलूक मिल जाए तो हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो लिहाजा वो कहता है कि ये भी एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो दिस एनरेजेस प्रोफेसर विटनी और इस पर जो है प्रोफेसर विटनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एनरेज का मतलब गुस्से में आना। दिस एनरेजेस प्रोफेसर विटनी दैट इवन इन स्पेस ह्यूमंस आर बेंट अपॉन स्प्रेडिंग ब्लडशेड और वो कहता है कि देखो इंसान जो है वो स्पेस में आ गया लेकिन यहां भी वो ब्लडशेड यानी कि खून बहाने पर तुला हुआ है। He had been an eyewitness to Second World War and knows the horrors of war. Previous two months news TWO2 इसको पढ़िएगा स्टूडेंट्स। तो previous two months news were arousing in him the fear of war कि पिछले दो महीने से जो खबरें उसने पढ़ी थी तो उससे उसे लग रहा था कि शायद एक और तीसरी जंग शुरू हो जाएगी। At this moment, they receive a call from Earth. It is Catherine who tells them that the Third World War has broken out. The whole England has been attacked.
विद पॉइजनस गैस। और यहां पर जो है इसी लम्हे पर जो है कैथरीन की कॉल आती है, फोन आता है और वो जो है उसकी कॉल को सुनते हैं और बताती है कि इंग्लैंड के ऊपर जो है हमला हो गया है और पूरे का पूरा इंग्लैंड जो है वो तकरीबन तबाह हो गया है और पॉइजनस गैस जो है वो हर तरफ फैली हुई है। Her mother has also died. She is still alive because she has taken refuge at the topmost part of the building. कि उस वो अभी तक जिंदा इसलिए कि उसने एक बहुत ही ऊंचे बिल्डिंग के हिस्से पर जो है पनाह ली हुई है। But she was sure that she would soon be found out by the enemy. कि बहुत जल्द दुश्मन उन तक भी पहुंच जाएगा। She appreciates her father for reaching Moon and instructs him to land in Canada on return as England is not safe for him. So Professor Whitney's fears were well grounded. Well grounded का मतलब यानी कि वो वाकई ही किसी बुनियाद पर थे उसके जो खौफ और खदशे थे और जो उसकी परेशानी थी। With the fear that enemy might extract from her important scientific secrets, Professor instructs her daughter to kill herself. अब यहाँ पर प्रोफेसर विटनी इस खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन उसकी बेटी से कुछ इंपॉर्टेंट राज उसकी साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में उगलवा ले, तो वो अपनी बेटी को इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम अब अपने आप को मार डालो। She obeys her father and drinks some poisonous chemicals and puts an end to her life. और वो अपने बाप की बात को मानती है और ये एक बहुत ही पेनफुल और एक बहुत ही दर्दनाक मंजर होता है इस ड्रामे का, जबकि हैरी जो कि मोहब्बत करता है कैथरीन से टूटकर और उसका बाप, वो दोनों जो है अपनी बेटी को मरता हुआ देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं कि कैसे उनकी बेटी मर रही है। दिस वॉज द मोस्ट पेनफुल मोमेंट फॉर हैरी एंड विटनी। द वेरी मोमेंट कैथरीन डाइज देयर शिप लैंड्स ऑन द मून। जिस लम्हे कैथरीन मरती है उसी लम्हे उनका शिप मून पर उतरता है। एट वन हैंड दे हैव द डिलाइट ऑफ रीचिंग मून, at other hand they received the tragic news of the destruction of Europe in the third world war and the death of Catherine.